दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हो ये बन रहा है कलियुग। पहाड़ में इसे अरसा और कलियुग के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी बिस्कुट भी बहुत जगह इसको बोला जाता है। पूरे भारत में इसके अलग अलग नाम हैं और फिलहाल हमारे यहाँ इसको कलियुग बोला जाता है। ये मुख्य तौर पर दो चीज़ों से बनाया जाता है, जो उसके मुख्य, पहली बात चावल के आटे से और गुड़ से, इन दो चीज़ों से इस कलियुग का निर्माण यानी कि इसकी मतलब दो चीज़ों से बनता है। पहली बात चावल के आटे से और दूसरी गुड़ से, दो चीज़ों से मिलाकर कलियुग बनता है। तो पूरे भारत में अलग अलग नामों से ये चीज़ प्रसिद्ध है और पहाड़ों में तो खासकर कलियुग तो हर शुभ कार्य में बनाया जाता है। हर अपने मेहमान को जो है भेंट स्वरूप मिठाई के तौर पर अपना बनाया हुआ कलियुग हर किसी को दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो ये सामने बन रहा है कलियुग। इस कलियुग को बनाने की प्रक्रिया जितनी होती है वह सब गांव वालों के द्वारा की जाती है। तो जिस दिन दुल्हन की हल्दी होती है उसके एक दिन पहले ये सारा कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कि पहाड़ की मिठाई जिसको आप कलियुग और अरसा के नाम से जानते हैं वह बनती है। ये आप जो देख रहे हैं ये कसार है, जो कि चावल के आटे और गुड़ के मिश्रण से बनता है और इसमें आवश्यकता होती है शुद्ध सरसों के तेल की, जो कि आप कच्ची धानी का देख रहे होंगे। हमारा दोस्तों बहुत ही बड़ा गांव है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन गांव में जो है लोग दिन ब दिन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। बस इतने ही लोग हैं कि जो यहाँ पर कलियुग बनाने आ रखे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा इसी बहाने गांव के लोग एक साथ मिलकर थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, जो कि आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। ये कलियुग की सुंदर तस्वीरें हम सीधे आपको बता रहे हैं कोठार गांव से। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान या जिसको हम झलक बोलें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्येक आदमी की अलग अलग सिचुएशन है चेहरे की। तो कलियुग बनाते हुए कैसे हर व्यक्ति हमारे गांव पर लग रहा है जो अभी फ़िलहाल कलियुग को बना रहा है, क्योंकि चूल्हे पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। कोई कलियुग गर्म कलियुग को अलग छांटने का काम कर रहा है और हम यहां पर अभी मौजूद हैं, हम देखने का काम कर रहे हैं और बीच में छोटी मोटी सहायता और बीच में हम भी कलियुग बना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई कलियुग को पका रहा है, कोई कलियुग के कसार को कढ़ाई में डाल रहा है, कोई आग जला रहा है। हर व्यक्ति का जो है अलग अलग कार्य बंटा हुआ है और हर व्यक्ति काम कर रहा है। गांव में इसी तरीके से आज भी जो लोग मौजूद हैं वो बखूबी मिलजुल कर काम करते हैं। भले ही दुनिया आधुनिक हो चुकी है, हर काम अब पैसे पे होने लगा है, लेकिन अभी भी हमारे गांव की कुछ चीज़ें बिना पैसे की भाईचारे के हिसाब से चल रही हैं और कब तक चलती रहेंगी इनका कोई पता नहीं। इस बारी का कलियुग बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बन रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। जितने लोगों को आप सामने कैमरे पर देख पा रहे हैं इन सभी की वजह से गांव की रौनक आज भी बड़ी है और आज भी ये लोग अपने इस कार्य से
बहुत खुश हैं और मिलजुल कर आज भी पुराने समय के जैसे कार्य करते हैं और खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं और हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। कलियों के साथ साथ थोड़ा आपको गांव को दिखाते हैं। तो जैसा कि आज का मौसम आज आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन, कितना प्यारा गांव का दृश्य लग रहा है। दोस्तों, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी कहाँ से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और यह भी बताना कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो इस छतरियाली के फूल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।